नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दबकेट स्वागत है। कैसे हो आप सभी। एनिमल ट्रांसपोर्ट की वैकेंसी आ चुकी है जिसका फॉर्म 12 अगस्त से शुरू हो चुका है, तो फॉर्म डाल देना। मगर बच्चों के मन में एक सवाल बहुत था कि एनिमल ट्रांसपोर्ट की वैकेंसी में काम क्या करना पड़ता है। सभी वैकेंसी में पता चल जाता है कि काम क्या करना पड़ता है, मगर एनिमल ट्रांसपोर्ट की वैकेंसी में मैं समझ नहीं आ रहा कि एनिमल ट्रांसपोर्ट करना है, पशुओं को इधर से उधर लेके जाना है, चराना है, क्या करना है पशुओं के साथ, जानवरों के साथ क्या करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को पूरी जॉब प्रोफाइल बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ एनिमल ट्रांसपोर्ट का काम क्या है, सैलरी वगैरह क्या, प्रमोशन का सिस्टम है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आप तैयारी करना चाहते हो हमारे साथ मेरी गाइडेंस में, मेरी मेंटरशिप में, तो आप हमारे इस बैच से जुड़ सकते हो। मात्र 299 रुपये का बैच है जहाँ पर मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश, हिंदी, एवरीथिंग आप सभी को मिल जाएगा। और जीके जीएस की खास बात यह है कि लाइव मिलेगा। रीजनिंग के कुछ चैप्टर आपको लाइव मिल जाएंगे, मैथ के कुछ चैप्टर लाइव मिल जाएंगे, बाकी अधिकतर आपको रिकॉर्डिंग मिलेंगे। कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही बाद में देखते हो। तो 299 का बैच है। प्राइस इसका था आपको पता है कि 499 था, मगर 299 आपको मिल रहा है। तो ये बैच आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होना है, इस बैच से आप जरूर जुड़ जाओ, ठीक है। जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना, द विक्टेड एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। कोई डाउट रहे तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो सबसे पहले इसके नाम पे चलते हैं। इसका नाम क्या है, इसका नाम अगर आप देखोगे तो नाम है इसका एनिमल ट्रांसपोर्ट। देखिए यहाँ पर एनिमल ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या, देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एटी, हमारे यहाँ क्या कहते हैं इसको आईटीबीपी में क्या कहते हैं एटी। देखो यहां पर इसका सिंपल सा मतलब इसके नाम से निकालें तो कहा जा रहा है कि एनिमल के जरिए ट्रांसपोर्ट। अब देखिए हर जगह ट्रक नहीं जा सकती है, हर जगह बाइक नहीं जा सकती, हर जगह साइकिल नहीं जा सकती। मैं बात कर रहा हूं यहां पर पहाड़ों की, हर जगह तो नहीं जा सकती है। और एक स्पेशल फोर्स आपने पता ही होगा जहां पर घोड़ा गाड़ी वगैरह, घोड़े वगैरह का होता है, तो उनके लिए कुछ स्पेशल लोग होने चाहिए ना, जो उनको हैंडल करना आना चाहिए, जो एनिमल्स के साथ कुछ ट्रांसपोर्ट करना हो या उनको हैंडलिंग करना हो, वो सारी चीजें करना हो। तो एनिमल ट्रांसपोर्ट का एक्चुअली में काम क्या होता है कि एनिमल के जरिए ट्रांसपोर्ट करना। जैसे कि मैं सिक्किम में था तो वहां पर हुआ क्या, हमें पहाड़ों में लेके जाना है, हमारी पोस्ट जो है चाइना बॉर्डर के पास है। अब वहां पर हमें राशन लेके जाना है, इंसानों के जरिए भी जाता है, मगर इंसान क्या लेके जा सकता है, पोर्टर के जरिए भी जाता है। पोर्टर आपने सुना होगा, पोर्टर भर्ती आती है, पोर्टर के जरिए भी हमारा जाता है। मिट्टी का तेल हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, आटा हो गया, जो भी सही तेल साबुन जो भी है, हमें पोस्ट पे लेके जाना, जो हमारे जवान वहां पर सुरक्षा कर रहे हैं, वो सामान कैसे पहुंचेगा। अब इंसान कितना है उसकी लिमिटेशन है, मगर अगर यही काम हम एनिमल के जरिए करें, जैसे कि खच्चर हो गया, घोड़े हो गया, इनके जरिए अगर हम सामान वहां पर पहुंचाएं तो आसान नहीं हो जाएगा, हम ज्यादा क्वांटिटी में सामान ज्यादा स्पीड से लेकर आ सकते हैं। तो एनिमल ट्रांसपोर्ट का एक सिंपल सा मतलब होता है एनिमल के जरिए ट्रांसपोर्ट करना। तो जब मैं वहां पर था, गंगटोक में था, मैं सिक्किम में था, तो वहां पर एनिमल के जरिए हम राशन वगैरह लेके जाते हैं। मैं भी एक बार राशन लेके गया था वहां पर, मजा आता है, मगर रेगुलर नहीं कर सकते हो आप सभी। पोर्टर लगे होते, मिट्टी का तेल वगैरह पोर्टर के जरिए भेजा जाता है, वो पोर्टर लेके जाते हैं मिट्टी का तेल, बहुत स्पीड में जाते हैं। पहाड़ी आप इतना आसान नहीं होता, पहाड़ियों पर 16,000 फीट पे आप लेके जा रहे हो, आसान नहीं होता, ये होता है। अब देखिए यहां पर अगर आप देखोगे तो इसके साथ जुड़ा हुआ है कांस्टेबल, ठीक है, कांस्टेबल जुड़ा हुआ है। तो इसका प्रमोशन सिंपल सी बात है, कांस्टेबल भर्ती हो जाओगे आप तो आपको हेड कांस्टेबल, ठीक है, उसके बाद एएसआई, उसके बाद एसआई, अगर आप इतना ही पहुंच जा रहे हो तो बहुत है, क्योंकि प्रमोशन बहुत जल्दी नहीं आता, आपको पता है फोर्स में प्रमोशन आने में टाइम लगता है। तो यहां पर आपका कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने बनने में ही आपका कम से कम 10 साल लग जाता है, तो यहीं पर प्रमोशन काफी लेट होता है। तो अगर आप सब इंस्पेक्टर तक पहुंच भी जा रहे हो तो बहुत बड़ी बात है आप सभी के, बाकी आप कुछ और तरीके से पहुंच रहे तो बात अलग है, ठीक है। तो ये आपका मेन काम होता है, बाकी सैलरी वगैरह आप सभी को पता है कांस्टेबल का है, तो 21,700 रुपए इसका बेसिक पे होता है,
यानी कि अराउंड की बात करें तो यहाँ पर सैलरी आपकी ज्यादा बन जाती है। क्यों ज्यादा बन जाती है? क्योंकि अधिकतर आप क्या काम करते हो, पोस्टों पर रहते हो, सभी पोस्ट बन जाते हैं, कुछ नीचे यूनिट में भी रहता है, नहीं कि यूनिट में नहीं, कुछ यूनिट में भी रहते हैं, कुछ पोस्ट में भी रहते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा पैसा ज्यादा बन जाता है, क्योंकि वहां पर आपको रिस्क अलाउंस वगैरह मिल जाता है, 17,000 रुपए समय मिल रहा है, तो आपकी सैलरी अराउंड 50,000 तो बन जाती है। ठीक है, 50,000 सैलरी तो बन जाती है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होती अगर आप पोस्टों पे काट रहे हो। अगर बटालियन में रहते हो तो वही सैलरी आप सभी की 40-40 तक पहुंचते, 40-35-40 तक रहती, ज्यादा नहीं रहती आप सभी की। ठीक है, तो इस तरह से बाकी सारी फैसिलिटी फोर्स की है, वो सारी फैसिलिटी आपको मिलती है, बस आप एक अलग ही ब्रांच तरह काम करते हो, एनिमल ट्रांसपोर्ट का काम करते हो, वो होते हैं। इसीलिए आपने देखा यहाँ पर हाइट भी काफी ज्यादा मांगी जाती है, रीजन यही है, काम ही ऐसा है। तो महिलाओं के लिए बोलते हैं कि महिलाएं कर सकती है, देखिए अभी जो बैच हमारा गया तो महिलाएं इसमें कमी भर्ती होती है, आपने फीमेल का देखा होगा, फीमेल कट ऑफ इतनी गई है, मगर फीमेल के सीट पे मेल भर्ती हो जाते हैं, यहाँ पर फीमेल के सीट पे मेल भर्ती हो, क्योंकि फीमेल जाती नहीं है, फॉर्म ही नहीं भरती है, करती ही नहीं है, तो फीमेल भी ऐसा नहीं है कि फीमेल को जाके वहां पर ये करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता, मेल ही कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। तो फीमेल के जरिए अधिकतर होता है कि जो भी इनकी जो एनिमल वगैरह वाले की जहाँ पर इनका रहता है, ब्रांच रहता है, वहाँ पर इनको रखा जाता है, उनसे रिलेटेड कुछ काम है तो उनको देखा जाता है, कुछ पेपर्स बॉक्स है, तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह से साइड में चलती रहती है, उनके अराउंड में काम चलता रहता है। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि जॉब प्रोफाइल है क्या, काम क्या है, टेंशन वाली बात नहीं है, कोई ऐसा परेशानी वाली बात नहीं, एनिमल ट्रांसपोर्ट तो काम ही तो ऐसा ही होगा। बाकी आपने देखा होगा एक कैनल मैन की वैकेंसी है, कैनल मैन का मतलब डॉग हैंडलिंग से रिलेटेड है, आपने कभी किसी परेड वगैरह में देखा होगा कि डॉग को बैठना उठना, ये सब सारी चीज़ें डॉग हैंडलिंग से रिलेटेड होता है। और उसके साथ आपने आप देखा होगा ड्रेसर वेटनरी की, ड्रेसर वेटनरी क्या है, एक तरह से जानवरों के इलाज वगैरह के लिए ही है, वेटनरी की वैकेंसी है, तो जानवर के इलाज वगैरह जानवरों से रिलेट ही करता है यहाँ पर। ठीक है, आप सभी का तो यहाँ पर घोड़े खच्चर वगैरह इनके चलिए ट्रांसपोर्ट वगैरह करना, ये सारी चीज़ें हमेशा नहीं करना, कभी कभी करना, कभी कभी नहीं करना, मौसम के ऊपर है, जरूरत के ऊपर है। ठीक है, ऐसे चलता रहता है काम सभी। ठीक है, तो यही इसकी सिंपल जॉब प्रोफाइल है, टेंशन वाली बात नहीं, पढ़ाई करो, सिलेक्शन लो, अगर नौकरी मिल जाती है, आगे भी बहुत ज़्यादा स्कोप होते हैं, पढ़ने वढ़ने का टाइम मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि कहोगे कि पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, हाँ मिलता है पढ़ने का टाइम, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जब आपको खाली टाइम मिले, आप मोबाइल चला रहे हो, घर पे बात कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अपने टाइम को आप कैसे यूटिलाइज करते हो, कैसे उसको काम में लाते हो, इस पर मैं नहीं बता सकता। टाइम तो सबको मिलता है, किसी भी नौकरी में जाओ तो कोई कहे कि यार हमें टाइम ही नहीं मिलता पढ़ने का, नहीं टाइम तो सबको मिलता है, मगर उस टाइम को आप किसी और टाइम में लगाते हो, तो ये चीज़ें बोलते हैं मिनिस्ट्रियल में टाइम नहीं मिलता है, टाइम सब जगह मिलता है भाई, कोई आपसे थोड़ी है कि 24 घंटा काम करवा लेगा, और एनिमल ट्रांसपोर्ट में तो अच्छा खासा टाइम मिल जाता है आप सभी को। ठीक है, पोस्टों पर रहते हैं, थोड़ा घंटे काम किया, मौसम खराब हुआ तो अपना बैरक में बैठे हुए हैं, तो टाइम मिल जाता है बढ़िया पढ़ने का, बस अपने ऊपर है भाई, टेंशन के ऊपर है, अगर टेंशन में रहोगे तो पढ़ोगे नहीं, घर के बारे में सोचते रहोगे, यही सब होता रहता है, इसी वजह से नहीं पढ़ पाते। बाकी जॉब में कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेबल को भी लगभग यही काम करना पड़ जाता है, आप सोचते हो कि कांस्टेबल भर्ती हो गए तो नहीं करना, कांस्टेबल को भी काम, फौज एक यूनिट में चलती है, फौज एक यूनिट में चलती है, यूनाइटेड होती है, तो कोई किसी काम के लिए ना नहीं कह सकता। अगर मुझसे बोल दिया गया जैसे कि मैं पोस्टों में हूँ, अगर बोला गया कि भाई राशन लेके जाना है ऊपर, अब कोई जवान नहीं है और मुझे लेके जाना है, तो क्या मैं मना कर दूंगा क्या, वो भी तो मेरे ऊपर भाई तो बैठा हुआ है, अगर मान लो मेरा सगा भाई होता ऊपर बैठा होता तो क्या मैं मना कर देता अपने सगे भाई के लिए। तो फौज जो है भाईचारा का चलती है, भाईचारा चलती है, आप ये नहीं मना कर सकते कि ये नहीं काम करेंगे वो नहीं काम करेंगे, भाईचारा भी चलती है, क्योंकि सिंपल सी बात है, युद्ध के मैदान में आप किसी काम के लिए मना कर दोगे, कमांडर बोलेगा आप यहाँ जाओ, आप मना कर दोगे तो फौज काम कैसे करेगी, हम युद्ध जीतेंगे कैसे, तो हमें एक यूनिट में काम करना पड़ता है, इसी तरह फौज चलती है, हर देश की फौज ऐसे ही चलती है। ठीक है, तो सिंपल सा है, टेंशन वाले वाली बात नहीं है, बढ़िया अपनी तैयारी करो और अपने कैरियर पे फोकस करो, परेशानी हर जॉब में होती है, ऐसे कोई जॉब नहीं इससे परेशानी नहीं है, परेशानी हर जॉब में, बस आपके मानने ना मानने के ऊपर है। ठीक है, चलिए फिर अभी के लिए तल्दा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।